जय जगन्नाथ। नमस्ते, स्वागत करते हैं हमारा YouTube चैनल WP गुरु 3 पे। आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस की सेटिंग के बारे में। इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए स्टार्ट टू एंड तक देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने लोकल सिस्टम में या सी पैनल की मदद से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद वर्डप्रेस का कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होता है, उसको चेंज करना होता है। अगर आप कोई भी पोस्ट या आर्टिकल या पेज में कुछ लिखते हैं, उसे पब्लिश करने से पहले वर्डप्रेस का डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करना होता है, तो हम अपने सबसे वो चेंज करेंगे। देखिए, ये हमारा वर्डप्रेस का डिफॉल्ट साइट है जो पिछले वीडियो में हम बनाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक दिया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे किया जाता है आप चेक करके देख सकते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का साइट है, ये फ्रंट एंड है। बैक एंड पे या डैशबोर्ड पे जाने के लिए हम साइट के URL के बाद wp-admin लिख देंगे और बैक एंड का जो लॉग इन पैनल दिखाया यूजर नेम दे देंगे एडमिन, पासवर्ड लिख देंगे admin@123। अभी देखिए, ये हमारा डैशबोर्ड बैकएंड पैनल खुल गया है। अभी देखते हैं सेटिंग, सेटिंग में जनरल देखते हैं। ये देखिए साइट का टाइटल है, जो आपका साइट का टाइटल देखना चाहते हो दे सकते हो। मैंने WP गुरु 3 दिया, जो ये साइट का टाइटल है। और टैगलाइन है, जैसे कि मेरा लिखा है, जो चाहे वो लिख सकते हैं। ये साइट का URL है, वर्डप्रेस साइट URL। ये एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या इनको मेल भेजते हैं। जो टीम न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, ये सब्सक्राइब होता है, डिफॉल्ट होता है। आप चाहे तो कुछ भी उसको चेंज कर सकते हैं। ये टाइम जोन जो है डिफॉल्ट है, जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूं, तो मेरा टाइम UTC है 530। ये UTC+530 मैंने दे दिया। डेट फॉर्मेट पे आपके हिसाब से दे सकते हैं जो देना है। टाइम फॉर्मेट आपके हिसाब से, वीक स्टार्ट ऑन ये आपके हिसाब से रख सकते हैं। मैं मंडे रख देता हूँ और ये सेव चेंजेस कर दूँ। उसके बाद में आता है राइटिंग, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज, ये ऑन कैटेगरीज है। जो पोस्ट लिखेंगे उस टाइम पे बताऊंगा। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ये बहुत सारा टाइप होता है, कुछ नहीं करना है। ये अपडेट सर्विसेज होता है, ये एक पिंग लिस्ट है। कोई भी पोस्ट या पेज को पब्लिश करते हैं तो कुछ पिंग सर्वर होता है, वो पोस्ट या पेज को लिंक ट्रांसफर करता है कि ये लिंक अपडेट हुआ है, जो सर्च इंजन में जल्दी इंडेक्स करने के लिए मदद होता है। जैसे कि आप गूगल में सर्च करेंगे वर्डप्रेस पिंग लिस्ट, सर्च करने से वो बहुत सारा लिस्ट आएगा। मैंने सर्च किया है, मुझे ये मिला है। आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर बाद में उसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे, अभी सेव चेंजेस कर देंगे, हो गया। फिर उसके बाद में आता है रीडिंग, दिया है योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट। हम जिस टाइम पे पेज और पोस्ट बनाएंगे उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा। बहुत सारा पेज होता है या पोस्ट होता है, आप चाहे तो लेटेस्ट पेज को होम पेज कर सकते हैं या उस पे से बहुत सारा पेज होगा, आप किसी को होम पेज बना सकते हैं या किसी को पोस्ट पेज भी बना सकते हैं, ब्लॉग का पेज भी बना सकते हैं। फिर उस पे दिया है ब्लॉग पोस्ट शो मोस्ट, मतलब ब्लॉग पेज में ये 10-10 करके 10 पोस्ट करके आएगा। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर ईच पोस्ट इन ए फील्ड इंक्लूड फुल टेक्स्ट में और एक्सक्लूड। ब्लॉग में और पोस्ट में बहुत सारा आता है, पोस्ट आता है, तो आप चाहे तो फुल टेक्स्ट में दिखा सकते हैं या थोड़ा हेडिंग और थोड़ा टेक्स्ट आएगा, उसके हिसाब से आप चाहे तो दिखा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं या फुल टेक्स्ट करते हैं, आपको जैसे मर्जी। फिर उसको कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आता है डिस्कशन, डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग, उसको अनचेक करना है, चेक है उसको अनचेक भी करना है। और यह है बिफोर कमेंट अपीयरेंस, उसको चेक करना है, क्योंकि इसलिए करना होता है, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो कोई भी उल्टा सीधा आपको कमेंट कर देगा और वो लाइव हो जाएगा। तो इसलिए ये करने के बाद कोई भी कुछ भी कमेंट करता है तो कमेंट पे हम दिख सकते हैं और उसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर दिखाना होता है तो लाइव दिखाएंगे, अगर नहीं दिखाना होता है तो उसको नहीं दिखाएंगे, उसको रिमूव कर देंगे। इसके लिए दिया गया है ये कमेंट मॉडरेशन और डिसअलाउ कमेंट की। अगर कुछ लोग कुछ उल्टा पल्टा कमेंट करते हैं और उस कीवर्ड को बैन करना है तो वो यहाँ से लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिल्टर कर देगा, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देगा। और नीचे दिया गया है ये डिफॉल्ट अवतार, ये बहुत सारा टाइप है, मैं जैसे नेट नहीं है तो इसकी वजह से ये दिखा रहा है, तो आपके हिसाब से देख सकते हैं जो ठीक है, कोई भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। उसको फिर बाद में सब चेंजेस कर देंगे। अभी हो गया, अभी मीडिया, उसको हम जीरो कर देंगे, उसको जीरो कर देंगे, उसको
हम चेक कर देंगे। इसलिए किया जाता है, आप कोई भी पोस्ट या पेज में इमेज डालते हैं वो ऑटोमेटिक रिसाइज कर देता है। अगर आप कोई भी थीम यूज करते हैं या पोस्ट में या पेज में, वो आपके हिसाब से वो फिक्स रहता है, फिर वो ऑटोमेटिकली रिसाइज कर देता है। अगर हम यहाँ से फिक्स करेंगे तो वो एक्स्ट्रा 3 इमेजेस ऐड होता जाएगा, तो इसलिए उसको कुछ नहीं करते हैं, फिर उसको सेव चेंजेस कर देते हैं। अब है आया परमालिंक, ये बहुत सा ऑप्शन है, प्लेन टेक्स्ट है। जैसे कि हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वेबसाइट यूआरएल के बाद वो कैटेगरी हिसाब से लेता है, वो पोस्ट के हिसाब से लेता है और आर्काइव के हिसाब से लेता है, और आप चाहे तो आपके हिसाब से उसका यूआरएल दे सकते हैं। पोस्ट नेम कर देते हैं, अभी सेव चेंजेस कर देते हैं। परमालिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसईओ के लिए भी जरूरी है। ये वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग था जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको करना होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करेंगे तो ऑल आएगा, उसको ऑल भी कर दीजिए, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपको पहले नोटिफिकेशन आए और आप हमारा लेटेस्ट वीडियो देख पाए।